आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश भर में प्रेम और सौहार्द के पर्व होली की धूम, बड़ी संख्या में लोग होली पर पहुंचे बांके बिहारी के दरबार में। होली पर नया नजारा, टमाटर, बर्फ और गुलाब की होली, इस बार हुआ होली पर टमाटर से हुड़दंग। कांग्रेस में जारी है दबाव की सियासत, कमलनाथ से मिले बिसाहू लाल, मिला मंत्री पद का ऑफर। कमलनाथ के मंत्री कमलेश्वर पटेल का अजीब सा बयान, कहा वचन जाए पर प्राण न जाए। और PRSI ने किया महिलाओं का सम्मान, दखल की संपादक शेफाली गुप्ता को मिला अचला सम्मान। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। 8 दिनों तक चलने वाली रंगों के त्योहार होली की देश भर में धूम मची हुई है। मथुरा और वृंदावन और बरसाना की होली तो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ होली उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है, जो होली तक लगातार 8 दिनों तक जारी रहती है। होली के इस उत्सव के दौरान मथुरा वृंदावन में बरसाने की लठमार होली के साथ ही लड्डूमार होली की परंपरा भी काफी प्रसिद्ध है। ब्रज में बसंत पंचमी पर होली का डंडा गाड़े जाने के साथ ही सभी मंदिरों और गाँव में होली महोत्सव शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 40 दिनों तक चलता है। खास तौर पर यहाँ लड्डू फेंक होली से शुरू होता है। ये त्यौहार गोकुल, मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर रंगों से होली खेलने से पहले लड्डू, फूल, लठ वाली होली मनाई जाती है। मान्यता है कि लड्डू होली की शुरुआत द्वापर युग से हुई है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। लठमार होली हो या फिर फूलों की होली, इसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग हर साल देश भर से ब्रज में पहुँचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में भक्त बांके बिहारी के साथ होली खेलने के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में तो भक्तों पर होली का ऐसा रंग चढ़ा है कि सब कुछ रंगों से सराबोर हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवक, युवतियों, महिलाओं और बुजुर्ग ने भी जमकर होली का हुड़दंग किया। लोग तनाव भूलकर होली की मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। होली सेलिब्रेशन पर स्नो और टोमेटो फेस्ट में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सभी लोग टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर और गुलाल के रंग में सरोबार नजर आए। वहीं बॉलीवुड और होली के कई गीतों पर डीजे की धुन और नगाड़े के थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। टमाटर होली में 12,000 किलो बर्फ और 10,000 किलो टमाटर के साथ ही 500 किलो से अधिक हर्बल गुलाल की व्यवस्था की गई थी। युवक युवतियों ने अपने दोस्त और परिजनों के साथ इस अवसर पर खूब आनंद उठाया। इस बीच सभी ने खूब मस्ती की। इस अनूठी होली के आयोजक सज्जन मिश्रा ने बताया कि बीते 2 सालों से ये आयोजन कर रहे हैं। शहर के युवक युवतियों अपने परिवार के साथ यहाँ आकर होली सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा ये होली अपने आप में अनोखी है, जहां लोगों को बर्फ, टमाटर, गुलाल और फव्वारे में होली खेलने का मौका मिलता है, जिसे लोग खूब इंजॉय करते हैं। स्नो और टमाटो फेस्ट में लोगों ने होलिया में उड़े रे गुलाल, होली खेले रघुवीरा, आँख मारे जैसे बॉलीवुड गीतों पर जमकर डांस किया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छता एंथम गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल पर भी लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। युवाओं का कहना है कि रंगों के त्यौहार होली में नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन, गुलाल, बर्फ और टमाटर हो तो होली खेलने का मजा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। परंपरागत होली से हटकर टमाटर और बर्फ की होली युवाओं के लिए यादगार बन गई। लड़खड़ाती कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीनियर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह को भी मंत्री बनाए जाने का आश्वासन दिया है। नाराज बिसाहूलाल सिंह को वाया इंदौर होकर भोपाल लाया गया। विधायकों की नाराजगी कमलनाथ सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बचाने का खेल चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके विधायकों को BJP खरीद रही है। इस बीच सीनियर कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल सिंह की भी भोपाल वापसी हो गई है। वह भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले और अपनी बात रखी। बिसाहूलाल सिंह को भी मंत्री पद का आश्वासन दिया गया है। विधायक बिसाहूलाल सिंह को पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल बेंगलुरु से विमान में इंदौर लाए। यहां से बघेल व गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ सरकारी विमान से वे भोपाल लौटे। भोपाल पहुंचते ही बिसाहूलाल मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले। बेंगलुरु से वापस लौटे कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि वे तीर्थ यात्रा करने गए थे। वे बोले कि मैं शुरू से कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ रहूंगा। कमलनाथ को उनका पूरा समर्थन है।
मंत्री बनाने का काम मुख्यमंत्री का है। उन्होंने कहा, हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया। इनसे पहले बेंगलुरु से शनिवार को लौटे सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कहा था कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था। भाई वो अपने सोच से पता लगा रहे होंगे कहाँ कौन ले जा रहा, हमको तो कोई नहीं लेंगे, इतना व्यक्तिगत अपना जानते हैं कि सरकार को कोई करता हमारे तरफ से नहीं, बाकी विधायक जाने किसके करता था, हम सरकार के साथ क्यों रहेंगे। बिसाहूलाल सिंह के परिजनों से लगातार बात होने के बयान से उनके बेटे द्वारा लिखवाई गई गुमशुदगी रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी के टीटी नगर थाने में बिसाहूलाल के बेटे ने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई थी। बेंगलुरु विमानतल से मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने बिसाहूलाल के साथ की तस्वीर वायरल की। इस तस्वीर में बिसाहूलाल के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि बंधक बनाए जाने की नाराजगी और मुक्त होने की खुशी बिसाहू के चेहरे पर देखी जा सकती है। बेंगलोर में बिसाहूलाल जी मिले हैं, उनके साथ में उनको लेके भोपाल इंदौर आए, इंदौर से यहाँ पे सीएम साहब से मिले। कमलनाथ के मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक सभा में ऐसा कुछ बोल दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अपने भाषण में सरकार पर कर्ज और वादों की चर्चा करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि वचन जाए पर प्राण न जाए, और मंत्री के इस वचन जाए पर प्राण न जाए पर लोगों ने तालियां भी बजाई। जमीन पर भले ही जनता के काम ना हो रहे हो, आम जनता से किसान तक में त्राहिमाम के हालात हो, लेकिन कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के भाषण से लगता है कि वे राम राज्य लेकर आए हैं। देवसर में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शानदार भाषण दे रहे थे। खजाना खाली होने से प्रदेश के कर्ज और कांग्रेस के वादों तक की उन्होंने चर्चा कर डाली। अचानक भाषण में मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, वचन जाए पर प्राण ना जाए। नीति की है और यही हम आप सबसे भी चाहते हैं कि काम को फिर जाए, और हमारी ही सरकार कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफी का अगर वचन पत्र में उल्लेख किया था तो कर्ज माफी का काम करके बताया। खजाना खाली था, जब वचन पत्र हमारी पार्टी ने तैयार किया था नहीं मालूम था कि 1,78,000 करोड़ का कर्जा होगा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। उसके बाद भी क्योंकि वचन दिया था तो हमारे नेताओं ने कहा वचन जाए पर प्राण न जाए, वचन निभाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार एक तरफ जहां सत्ता बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं कमलनाथ अपने मंत्रियों की फिसलती जुबान या ये कहें कि कुछ भी बक देने की आदत से परेशान है। सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण और विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अति उत्साह में आकर कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के समय वचन दिया था और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वचन जाए पर प्राण ना जाए। अब इसके मायने मंत्री ही बता सकते हैं, या यूं कहें कि कमलनाथ सरकार जिस तरह के कार्य कर रही है उससे तो ऐसा लगता है जैसे कमलेश्वर पटेल की जुबान पे वही आया है जो उनके मन में है। एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायकों से समर्थन के लिए बैठकें कर रहे हैं, वहीं कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह इन विधायकों का मजाक बनाने से भी नहीं चूक रहे। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को महामहिम बताते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा तो महामहिम है, बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। अपनी सरकार पर आए संकट को टालने के लिए कमलनाथ एक एक विधायक की बात सुन रहे हैं और उन्हें पद और काम होने का भी आश्वासन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। ऐसे में उनके कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने विधायक शेरा का जमकर मजाक उड़ाया, कभी उन्हें महामहिम कहा तो कभी उनकी तुलना बंदर तक से कर दी। गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। अब ये शेरा से पूछो क्यों बंदर जैसी उछल कूद करते हैं, ये उनको साफ बताना चाहिए। अब हमें तो रोका नहीं किसी ने, अब शेरा को रोका तो शेरा स्पष्ट करें कि कौन से दल ने कौन से लोग उनको ऐसे महामहिम को रोक रहे हैं। मंत्री बनाना शेरा के हाथ में नहीं है, बनना बनाना ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना उनका अधिकार क्षेत्र न गोविंद सिंह का न शेरा का। सुरेंद्र सिंह शेरा के बेंगलुरु से आए वीडियो पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वे बताएं उन्हें किसने रोका था,
किस दल के लोग थे, उन्हें हर चीज का खुलासा करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई कर सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में दिन भर आयोजनों का दौर चलता रहा। स्त्री शक्ति के सम्मान में कई आयोजन हुए। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने जनसंपर्क और पत्रकारिता से जुड़ी महिलाओं को अचला और उदिता सम्मान से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम सावधानी कोचिंग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता को अचला सम्मान से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बात तो ये रही कि महिलाओं के सम्मान में पुरुष वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की हुंकार हर कोने में गूंज रही है। ऐसे में जब मौका महिला दिवस का था तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने उन महिलाओं का सम्मान किया जो अपने अपने क्षेत्र में या तो अंगद की तरह कदम जमा चुकी हैं या फिर सूर्य की तरह उदय हो रही हैं। इन महिलाओं को सम्मान देने में मुख्य भूमिका पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाल सिंह और मनोज द्विवेदी की रही। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और बड़ा उत्साह था लोगों में, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने कम से कम हम महिलाओं के योगदान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी ये बात होनी चाहिए कि एक दिन नहीं होना चाहिए। महिलाओं के सम्मान को हमें हर दिन रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको समानता का दर्जा देना चाहिए, उनके निर्णयों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य और हम चाह रहे हैं कि लगातार महिलाओं को आगे लाएँ, उनके योगदान को हम समाज के बीच में ले जाएं, जिससे कि समाज के बीच में उनका सम्मान बढ़े और उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता को समाज समझे और उनको कैसे लीडरशिप दी जा सकती है इस पर विचार किया। लोग पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया महिला दिवस के अवसर पर, इसका उद्देश्य ये था कि जो पत्रकारिता में, मीडिया शिक्षा में और जनसंचार के क्षेत्र में और साथ में जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्यरत जो महिलाएं हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ना, जिससे कि वो बेहतर कार्य कर सकें, समाज को बेहतर आउटपुट दे सकें और उनमें एक मोटिवेशन हो, इसलिए पुरस्कार दिया है। ये हमारा दूसरा साल है जो हमने पुरस्कार दिया है, ये क्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार सदियों से था मगर पुरुषों ने उसे छीन लिया, मगर अब महिलाएं फिर से मुख्य धारा में लौट रही हैं और अपने निर्णय भी लेती हैं। मोबाइल उनके हाथ में है जिससे वो पूरी दुनिया को जान पाती हैं। जब हम निर्णय लेने की बात कर रहे थे, मैं मानती हूँ निर्णय महिलाओं के हाथ में आना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल इतिहास में हमें मिलता है, एक या अनेक एग्जाम्पल जिनके जिनके बारे में हमने बात की। अगर महिलाओं के हाथ में निर्णय का या फैसले का अधिकार हो तो इन महिला शासकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच सकती हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आए जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि ने कहा कि महिलाओं को निर्णय कहाँ हो रहा है वहाँ पहुँचना होगा। गोल ये है, मतलब शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो गोल वो है जहाँ पर निर्णय लेने की, मतलब जहाँ पर निर्णय होते हैं वहाँ पहुँचना है। जितना मैं समझता हूँ व्यवस्था के बारे में, जहाँ कहीं पे भी निर्णय होते हैं वहाँ उस महिला को। अजीत राय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं का दखल हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, रंगमंच पर भी अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये जो है ना कि औरतों को स्वावलंबन की ओर जाना होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको आज़ादी, एक तो निर्भयता, माने यदि उनका जीवन भयमुक्त हो जाए तो वो आज जो कर रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। और दूसरी है आत्मविश्वास, क्योंकि निर्भयता और आत्मविश्वास दो मूल मंत्र हैं जो कि आर्थिक आज़ादी से आती है, सामाजिक आज़ादी से आती है या मानसिक आज़ादी से आती है। तो उनमें ताकत है, उनमें मादा है, वो थकती नहीं है काम करके, आप देखिए। और पूरा जो यूरोप मैंने कहा उसको औरतों ने बनाया है, आधुनिक यूरोप जो इतना आगे गया, तो अमेरिका को औरतों ने बनाया है। तो हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में उनकी शक्ति लगे तो हमारा राष्ट्र बहुत आगे जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर ने कहा कि पहले महिलाओं का अकेले बाहर जाना भी गलत माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। जहाँ तक महिलाओं की स्थितियों पर, हालातों पर सोचने विचारने बात करने की बात है, एक बार लगता है मुझे किसी एक महिला को समझने में पूरा उम्र निकल जाती है और नहीं लगता कि हम उस महिला को समझ पाए। तो पूरी महिलाओं के पूरी समुदाय को समझना और बात करना बहुत मुश्किल काम है। वरिष्ठ पत्रकार मेरी सहेली की एडिटर कमला वडोनी और जी बिजनेस एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने भी
महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी, अपने विचार रखे। हम लोग अभी मध्य प्रदेश में पहली बार, ये मेरी जर्नी थी और पुष्पेंद्र जी ने इस इवेंट के लिए बुलाया था। पहली बार किसी शहर में 36 महिलाओं को वुमेंस डे के लिए सम्मानित किया गया, और उससे बड़ी बात कि ये अचीवर्स बहुत लॉन्ग जर्नी लेकर भी आए और छोटी जर्नी लेकर भी आए, तो हमने सबकी बात सुनी और महिला दिवस को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा गया है, और वुमेंस डे को सेलिब्रेट इससे बेहतर तरीके से कैसे करा जाए, जहां हम देखते हैं कि जो वुमेन अचीवर्स हैं, यंग एस्पायरिंग वुमेन जो जर्नलिज्म फील्ड से हैं, उनको सराहाया गया। आई थिंक बहुत ही बढ़िया थॉट था और बहुत सारे इसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज मिली। इतना बढ़िया काम किया है इन वुमेन ने। कार्यक्रम के सहयोगी आनंद सबधाणी ने कहा कि हर दिन महिलाओं का होता है, महिलाओं का सम्मान हर रोज होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी और सबधाणी कोचिंग द्वारा मिलकर आज एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसका नाम उदिता अचला सम्मान कार्यक्रम था। लगभग 36 महिलाओं को, जिन्होंने मीडिया जगत में, भले प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, उन लोगों को सम्मानित करने की हम लोगों ने कोशिश की है आज यहाँ पर। आज के दिन जितने भी चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, उनको मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो महिला है वो अपने आप में आधी आबादी है, लेकिन पूरी आबादी को बनाने वाली ये महिला है। उस महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें रोज महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। विधायक कुणाल चौधरी ने महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बधाई दी और स्त्री शक्ति को नमन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने महिला पत्रकारों का एक सम्मान किया, क्योंकि जिन परिस्थितियों में महिला पत्रकार दिन रात इस देश के चौथे स्तंभ को बनाने के लिए जो काम करते हैं, पत्रकारों के अंदर जो काम होता है, वो लगातार इस देश के लोकतंत्र के प्रति जिस सजगता के साथ काम कर सकते हैं, आज उनको सम्मानित किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी जिनको ये अवार्ड मिला, और बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को बधाई। इस अवसर पर अंचला सम्मान से दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता, श्रद्धा बोस, आशा रोमन, डॉक्टर साधना गंगराड़े, डॉक्टर अंजना तिवारी, डॉक्टर अस्मा रिजवान, डॉक्टर बबीता अग्रवाल, डॉक्टर राखी तिवारी, डॉक्टर आरती सारंग, सुमन त्रिपाठी, रंजना चितले, रश्मि शुक्ला, शीतल राय, विभा शर्मा, पल्लवी वघेल, गरिमा पटेल, मुक्ता पाठक, पूर्व शर्मा, सीमा श्रीवास्तव, आयुषी सक्सेना, डॉक्टर जया सुरजानी को भी सम्मानित किया गया। वहीं सोनी यादव, डॉक्टर अनु श्रीवास्तव, राखी नंदवानी, उपमिता वाजपाई, सुधा कुमार, अंजलि राय, ममता यादव, आकांक्षा शर्मा, दीक्षा मीणा, कीर्ति श्रीवास्तव, दीपाली विर्क, भूमिका बिरथरे, करिश्मा सचदेव, अनादि तिवारी और रश्क गौरी को उदिता सम्मान से नवाजा गया। बहुत ही खुशी का क्षण है मेरे लिए कि इतने समय के कार्य को एक पहचान मिली, और मैं आज महिला दिवस के अवसर पर जो है सभी महिलाओं को, चाहे वो काम करने वाली महिलाएं हैं या घर में रहकर काम करने वाली महिलाएं हैं, जो भी हो, जहां भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, घर को संवार रही हैं, उन सभी महिलाओं को जो है बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोटा होना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात होगी। एक ऐसा सैलून है जो आपको मोटा होने पर, या यूं कहें कि आपके वजन ज्यादा होने पर खुशी देता है। महिलाओं का वजन ज्यादा हो जाए तो ताने मिलते हैं, लेकिन भोपाल के आइडियल सैलून में ज्यादा वजन से ज्यादा फायदा मिलता है। जी हाँ, आपने सोचा नहीं होगा कि आपका वजन आपको फायदा दिला सकता है, लेकिन ये सच है। भोपाल के आइडियल सैलून ने महिलाओं के लिए एक शानदार ऑफर दिया है। मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है, और इस मौके पर हर महिला मुस्कुराए और खुश हो,
खूबसूरत दिखे, इसलिए सैलून में ऑफर रखा गया कि जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपका जितना वजन होगा आपको उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर को जानकर महिलाएं इतनी खुश हुई कि सुबह से ही सैलून में लाइन लगना शुरू हो गई। इतने अच्छे ऑफर का लाभ उठाने बड़ी संख्या में महिलाएं आइडियल सैलून पहुंची। पूरे देश में इंटरनेशनल विमेंस डे को लोगों ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। भोपाल के आइडियल सैलून ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को अनूठा उपहार दिया। आइडियल सैलून में महिलाओं को उनके वजन के अनुसार उतने ही प्रतिशत की छूट दी गई। इस ऑफर का लाभ उठाने बड़ी संख्या में सैलून पहुंची महिलाओं ने अलग अलग सर्विस का लाभ उठाया। महिलाओं का कहना है कि आइडियल सैलून आए दिन अच्छे ऑफर निकालता है, लेकिन महिला दिवस में निकाला गया ये ऑफर दूसरों से अनोखा और सबसे अच्छा है। पहली बार अपने वजन ने खुशी दी है। भैया ने जो आज ऑफर चला है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं और वुमेंस डे पे हम लोगों को बहुत अच्छा तोहफा दिया है और हम लोगों की पॉकेट मनी पे इतना अच्छा, मतलब हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमारा जो पॉकेट का पैसा बचा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ऑफर भैया बार बार लेके आएँ। और आज हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी टीम बहुत अच्छी है इनकी, और पूरा इनका पार्लर जितनी भी जगह है सब लोग बहुत अच्छा नेचर है, और मैं बहुत प्रभावित हूँ इस पार्लर। हाँ, मैं आइडियल सैलून पर आई थी और मैंने पेडिक्योर और हेयर ट्रीटमेंट करवाया, और उस इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी मुझे। मुझे लगता है कि मुझे, और इट वाज अ नाइस फीलिंग जाने के बाद, यू हैव अ नाइस फीलिंग अबाउट इट। और ये जो ऑफर था, मैं सोचती हूँ कि हर साल हम लोगों को वुमेंस डे पे ये ऑफर जरूर मिलना चाहिए। महिला दिवस पर आइडियल सैलून के संचालक नरेश सेन ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आइडियल सैलून हर वर्ष अनूठे ऑफर देकर महिलाओं का सम्मान करता है। इसी सम्मान के चलते इस बार भी बढ़ता वजन उनके लिए शर्मिंदगी नहीं बल्कि खुशी दे, इसलिए ये ऑफर रखा गया है। उन्होंने बताया कि आज के दिन जितनी भी महिलाओं ने यहाँ सर्विस ली है उनको उनके वजन के अनुसार उतनी ही छूट दी गई है। इस दौरान आइडियल सैलून के कस्टमर केयर मैनेजर ने महिला दिवस पर दी जाने वाली सभी सर्विसेज के बारे में बताया। हमने ये ऑफर चलाया कि जो भी वुमेन्स का जितना वेट होगा उतने परसेंट हम उनको डिस्काउंट देंगे। किसी का 50 kg वेट है तो उनको 50% डिस्काउंट दिया, मतलब मिनिमम 50 से लेकर 100% तक हमने डिस्काउंट दिया है वुमेन्स कस्टमर्स को आज तक। और काफ़ी वुमेन्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, सर्विस भी करा रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जिन वुमेन्स का वेट कम है वो अपने आप को फील भी कर रहे हैं कि मुझे वेट बढ़ाना है, और जिनका वेट बढ़ा हुआ वो भी फील कर रहे हैं कि मुझे वेट कम करना है। मतलब हम इनडायरेक्टली उनको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए उनको ऑफर का भी फ़ायदा दे रहे हैं। जो हमारे जो ऑफर है वुमेन्स डे पे सिर्फ फीमेल्स के लिए है, जिसमें वुमेन्स का जितना केजी भी वेट होगा हम उतना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 80 kg वेट है तो हम 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिनका वेट है 125 kg, तो हम उनको फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमारा वुमेन्स डे का ऑफर है, तो इसमें वुमेन्स काफ़ी खुश है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इस टाइम वो ये फील नहीं कर रही कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है, बल्कि अभी खुशी है। अभी सबसे ज़्यादा खुशी किसको नहीं हो रही है वो ये है कि जिनका वेट कम है, जिनका बहुत ज़्यादा वेट कम है तो वो अभी ये उम्मीद करें कि काश हमारा वेट अभी ज़्यादा होता तो शायद उनको डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता। सिंगरौली के एक सुने घर में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि माँ की तबीयत खराब होने के कारण पूरा घर हॉस्पिटल में था, उसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में शुभम अग्रवाल के सुने घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। शुभम अग्रवाल ने बताया कि उनकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने एक निजी चिकित्सालय में माँ को भर्ती कराया था, घर में कोई नहीं था। इसी दौरान चोरों ने उनके घर में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। शुभम ने बताया कि उनकी वैढ़न में साइकिल की दुकान है जो इनके पिता ने खोली थी, से वे और उनकी माँ संचालित करती हैं। 5:30 बजे शाम को मैं डॉक्टर आरबी सिंह के वंदना हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। वहाँ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9:30 बजे उनको ब्लड चढ़ाया गया रात में, और 4 घंटे का समय हमें डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, 4 घंटे लगे। तो रात भर मैं माता जी के साथ वहीं था, घर मेरा बंद था, और करीब सुबह 5 बजे माता जी को जब मैं डिस्चार्ज करा के निकला, घर आया, घर पहुंचा तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है,
अंदर बीच वाले कमरे का कांच का गेट का ताला टूटा हुआ है। जब अंदर गया तो देखा कि दोनों अलमारियाँ टूटी हैं, पूरा सामान बिखरा हुआ है और घर में चोरी जैसा। 2 लाख रुपए नगद दुकान की मेरी बिक्री पड़ी थी और करीब अंदाजतन 10 लाख के आसपास का सोना चांदी मिला के गया। चोरी की प्राथमिक सूचना पर विंध्यनगर TI राघवेंद्र द्विवेदी ने मौके का मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। TI ने कहा कि चोरों की खोज की जा रही है, वे कितने बड़े शातिर क्यों ना हो जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मैं अपनी माताजी को लेकर के हॉस्पिटल बैठन चले गए थे, घर में ताला लगा हुआ था। साथ ही कोई अज्ञात बदमाश ताला तोड़ करके उनके घर से रखे हुए ऑर्नामेंट्स सोने चांदी के और करीब 1.5-2 लाख रुपये चोरी कर ले गए। छिंदवाड़ा में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे परेशान किया और ससुराल वापस जाने से मना करने पर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें उसके पिता को गंभीर चोटें आई हैं। छिंदवाड़ा के परासिया के ग्राम पंचायत इकलहरा में बशीर अहमद के घर बहू को लेने पति और उसका परिवार पहुंचा था, लेकिन लड़की को ससुराल ले जाने को लेकर ससुराल पक्ष और लड़की वालों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की का पति 2 साल से सऊदी अरब में था और आने के बाद पत्नी लेने व ससुराल पहुंचा तो पत्नी के साथ आने से मना करने पर उनमें विवाद शुरू हुआ। कारण पूछने पर युवती ने बताया कि पिछले 2 सालों से उसके ननद जेठ द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा है, जिसके चलते वो 2 साल से मायके में रह रही थी। लड़की का आरोप है कि जब उसने ससुराल जाने से मना कर दिया तो उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ और उसके पिता और माँ के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके पिता के सिर में गहरी चोटें आई हैं। लड़की ने बताया कि मारने के पश्चात ससुराल से आए चारों लोग घर से भाग गए। ससुराल में थी तब भी मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। सास नंद सब लोग बहुत अत्याचार करते थे। फिर मुझे खाना भूखी थी 3 दिन से और बहुत बोलते थे ये ऐसा वैसा, दुनिया भर के ताने मतलब मारते थे। फिर मुझे भगा दिए घर से, बोले अब नहीं रखेंगे, भगाओ इसको यहाँ से। लड़की को भगा चुके थे 2 साल पहले और बोल रहे थे कि ये हमारे माँ के साथ ऐसा है वैसा है और ज़्यादा काम नहीं करती है। 3 दिन तक भूखा रखें लड़की की, जब मैं लेके आया इनको कहा ले जाओ हमारे घर में, कभी चाहता था। जब 2 साल पहले लेके आ गए तो आज चारों भाई सलाह करते हैं, सऊदियों में थे दोनों सऊदियों में थे, दोनों आए सलाह करके कि ये मारेंगे लड़की को, इनके घरवार को सबको मारेंगे। और बस आए हम मेरे, आप चाय पानी करो बैठो, तो आप ले जाने ले बात कर लो, पैसे आए हो क्या है क्या बात करना। तो उठाए मैया दैया चालू कर दिए और उठाए सीट और कुर्सी टेबल जो रखा था तोड़ फोड़ दिए और लूटपाट किए। नसीर अहमद चौकी पर उपस्थित होकर के आकर के बताया कि उसकी लड़की समा के ससुराल वाले लेवाने के लिए आए थे। उसी बात पर से वाद विवाद होने लगा, उसकी पिछली गलतियों को बताने लगे कि ये वही गलती वो करती गलती करती, इस बात को लेकर विवाद होने लगा। जिस बात पर से ससुराल के पक्ष वालों ने इसके साथ मारपीट की है, जिसमें सर में चोटें आई हैं, जिस पर मारपीट का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा रशीद को मुलायजा के लिए अस्पताल भेजा गया है। सिंगरौली में ओलावृष्टि को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किसानों को उनके नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। सिंगरौली क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसके लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता CP शुक्ला ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खेतों का मुआयना किया तथा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर सैकड़ों किसानों से मुलाकात कर उनके हालचाल को जाना। शुक्ला ने किसानों को सांत्वना दी कि कहा सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, विपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी मदद करेगी और सर्वे कराकर उनको नुकसान की राशि दिलाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी रामानुग्रह विश्वकर्मा मौजूद रहे। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन पर एक बायोपिक बनने जा रही है। इस फिल्म में तीजन बाई के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका बनने तक के सफर को पर्दे पर दिखाया जाएगा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण करेंगे और फिल्म का निर्देशन उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी करेंगी। पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन के संघर्ष को अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर्दे पर उतारेंगे। हाथ में एक तारा लिए जोश भरे स्वरों में झूमते हुए स्वरों में खोते हुए एक महिला जब महाभारत की कथा कहती है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोक गायिका तीजन बाई की जिंदगी पर बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले इस फिल्म का निर्देशन उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी करेंगी। आलिया ने फिल्म मेकिंग के लिए तीजन बाई से संपर्क किया और उनके जीवन को करीब से समझा है। फिल्म निर्देशक आलिया सिद्दीकी ने बताया कि तीजन बाई के किरदार के लिए विद्या बालन, रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा के नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं उनके नाना के किरदार के लिए महानायक अमिताभ बच्चन से संपर्क किया गया है। अमिताभ को स्क्रिप्ट और किरदार दोनों पसंद आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।